नमस्कार, मैं सनी तुसीर और आप सभी देशवासियों को जय श्री राम। ये तस्वीरें मैं आपको नरेला विधानसभा क्षेत्र से दिखा रहा हूँ। नरेला में भी जो राम प्राण प्रतिष्ठा है वो होने वाली है, जो अयोध्या में, उसी को लेकर बड़ा ही खुशी का माहौल है। लोगों को दिए बांटे जा रहे हैं, झंडे बांटे जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि पूरी नरेले की जनता जो है वो अब दीपावली मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये खुशी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि 500 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेला वासी जो है वो सड़कों पर उतरकर लोगों को झंडे दे रहे हैं, दिए दे रहे हैं और भर भर के यहाँ पर जो है वो झंडे और दिए यहाँ पर मंगाए गए हैं ताकि लोगों के घरों में जगमगाते हुए दिए दिखाई दे, लोगों के घरों में भगवा रंग छा जाए, लोगों के घरों में जो है वो सिर्फ राम का नाम ही गूंज उठे। और ऐसा ही नरेला में जो है वो अब दिखाई दे रहा है। हमारे साथ नरेला के पूर्व विधायक नीलधवन खत्री जी भी मौजूद है। जी सर, किस तरीके से जो है वो श्री राम जी का नारा गूंज रहा है, पूरे देश में जो है खुशियां मनाई जा रही है। समस्त देशवासियों को सबसे पहले तो मेरी जय श्री राम। आज पूरा विश्व हर्ष उल्लास के साथ भगवान श्री राम की जो मूर्ति स्थापना कल हो रही है उसके लिए खुश है। चारों तरफ आसमान हो, पाताल हो, गली हो, कूचा हो, हर जगह भगवान श्री राम का जय घोष हो रहा है। यहाँ देख रहे हो कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हर घर में ध्वज बंधे, हर घर में दीपक जाए, दीपक जगाया जाए, हर घर की सफाई हो, सज्जा हो, हर मंदिर के अंदर पूजा पाठ हो, कीर्तन हो, इस प्रकार से लाइव जो अयोध्या से चलना उसके लिए यहाँ आप देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो है वो दीपावली कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई है। ऐसा लग रहा है, मैं आपको सच बात बताऊं कि 550 वर्ष बाद ये दिवाली आई है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जन्म में ये बड़ी महा दीपावली आई है। हर वर्ष हम दीपावली मनाते हैं लेकिन ये दीपावली अनोखी आई है। भगवान श्री राम को अपना घर मिल रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि सतयुग आ रहा है, राम राज्य आ रहा है। आप कल मूर्ति स्थापित होने दो, सतयुग आप देख रहे होगे कि ये सतयुग की लहर है। चारों तरफ आप देख रहे हो राममय हो चुका है। भगवान श्री राम जो कहते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना वो पूरी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगा। 500 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद जो है ये आज ये माहौल जो है वो बना हुआ है। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और वहीं पर 500 वर्षों की कड़ी प्रतीक्षा। जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद ऐसी दिवाली आई है, 500 साल के बाद जो है ऐसी दिवाली मना रहे हैं। जय श्री राम। बिल्कुल, जाके लोगों में हर्षोल्लास। रामचंद्र जी पधारे आए हुए हैं, उनके लिए भव्य मंदिर बनाया है यह मोदी साहब ने। हमारे दिलों में जोत की लहर जल उठी है। हमारे जो कार्यकर्ता इधर कर रहे हैं वो नीलधवन की तरफ से आए। देखिए इसमें दिए हैं और ये दिए बांटे जा रहे हैं। देखिए ये दिए इसमें और कितने दिए हैं? एक में 5 दिए हैं जी। 1 में 5 दिए और ये दिए देखिए सभी को दिए जो है वो बांटे जा रहे हैं और बड़ा ही हर्षोल्लास का जो है वो यहाँ पर माहौल बन चुका है। पूरे नरेला में हर्षोल्लास का माहौल बन चुका है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है। जी कैसे महसूस हो रहा है आज? भाई साहब, ये पूरा देश राममय हो रहा है और पूरा समाज राममय हो रहा है। भगवान श्री राम की हम सभी के ऊपर असीम कृपा बनी हुई है और पूरा देश आज राममय हो रहा है। आप यहाँ अयोध्या बनी हुई है, नरेला में भी अयोध्या दिख रही है। हम सभी देशवासी, हम सभी क्षेत्रवासी आज भगवान राम के जो है आदर्शों के ऊपर अनुरूप चलते हुए हम सब यहाँ पे सभी लोगों को ध्वज और दिए वितरित कर रहे हैं। जय श्री राम। ये देखिए बड़ा ही खुशी का माहौल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये नरेला का सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र चौक है जहाँ पर गाड़ियों को रोक रोक कर जो है वो यहाँ पर झंडे दिए जा रहे हैं और यहाँ पर दिए दिए जा रहे हैं ताकि कल सबके घर में जो है वो उजाला फैले, कल किसी के घर में भी जो है वो अंधेरा देखने को ना मिले। ऐसी खुशी महसूस हो रही है कि जो श्री राम जी है वो खुद चलकर ही जो है वो अयोध्या के मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं। जी किस तरीके से आप जो दीपावली का माहौल बन चुका है, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा है, कल पूरा देश राम में हो चुका है। यहाँ नीलधवन खत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं 6 दिन से लगातार झंडे पटके बांटे जा रहे हैं
और पूरा नरेला पूरा हमारी विधानसभा राममय हो चुकी है। और आप देख रहे हैं अब आज रोड पे हम आ चुके हैं, रोड पे जितनी भी बसें रेड लाइट पे बसें हैं, टेम्पो हैं, बाइक वगैरह है, रिक्शा वगैरह है, सबको झंडा दिया जा रहा है, ध्वज दिया जा रहा है श्री राम जी का। और कल पूरे दिन का प्रोग्राम है, लाइव चलेगा सारा और पूरा देश राममय होता हुआ जा रहा है। बिल्कुल पूरा देश जो राम है। नील दमन जी, 500 लोगों की जो 500 साल की कड़ी तपस्या है, ना जाने कितने लोगों ने अपने सीने पर गोलियां भी खाई है, ना जाने कितनों ने अपने बलिदान तक दिए हैं, लेकिन आज एक खुशी भी है कि वो बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं गया। लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों की जीवन को दिया है। मैं उन माँ की कोखों को भी नमन करता हूँ कि ऐसे वीर सपूतों जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर बने, किस प्रकार से भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा गया था, आज वो दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे आपको बताया हमारा सौभाग्य, कितनी पीढ़ियां चली गई, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितनी गोलियां लोगों ने खाई है, जब ये भगवान श्री राम का मंदिर आज भव्य बन रहा है, भगवान श्री राम अपने घर में स्थापित होने जा रहा है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। और वो लोग भी ऊपर से भगवान भी सब खुश है, आज जो जितने भी देवी देवता हैं वो निश्चित रूप से कल आप देखना कि पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई देंगे, उनके चेहरों पर खुशी की लहर होगी। निश्चित रूप से पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व आज खुशी की खुशियां मनानी शुरू कर रखी है। और कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और कल स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाएंगे और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पूरा किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं झंडे वितरण किए जा रहे हैं, दिए वितरण किए जा रहे हैं और लगातार जो है वो राम में ये पूरा का पूरा नरेला अब हो चुका है और पूरे नरेला में खुशी का माहौल बन चुका है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आप लोगों तक लगातार जो है वो पहुंचा रहे हैं। ये नरेला के सत्यवादी राजा हरिचंद्र चौक है और यहाँ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा। ये देखिए सभी को जो है वो राम के झंडे दिए जा रहे हैं, दिए दिए जा रहे हैं और राम में जो है वो पूरा नरेला यहाँ पर हो चुका है। नरेला के सभी ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वो लोगों को झंडे दिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा।